यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने इस वक्त ताकत झोंक दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की 16 मंत्रियों के साथ हो रही मीटिंग खत्म हो गई है। 1.5 घंटे की बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। मीटिंग में कई मंत्रियों ने सीएम योगी से कहा कि सिफारिश पर नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि जी, क्या इस वक्त उस बैठक में तय हुआ जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या बातें उस मीटिंग में मंत्रियों के द्वारा रखी गई और क्या उन तमाम सुझावों को माना जाएगा? देखिए, 10 जो उपचुनाव जिन सीट्स पे होना है वहां से ये मंत्री सब दौरा करके आए थे, ये 16 मंत्री, तो सबने अपने अपने जो सीट है उसका फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया कि वहाँ पर क्या इक्वेशंस हैं, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, पार्टी के लिए कैसा माहौल है, कैसा कैंडिडेट आप उतारेंगे तो पार्टी को फायदा होगा। लेकिन एक बात सभी ने कहा कि सिफारिशी उम्मीदवार उतारने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस बार उपचुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से पार्टी को बचना चाहिए। जिन नेताओं की साफ छवि है, जो ईमानदार हैं, जिनके इलाके में पकड़ है, उनको ही पार्टी टिकट दे, तो इस तरह की बात ये सबने कही। और एक बात ये भी वहाँ पर आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो पार्टी के वहाँ पे नेता भी मौजूद थे, जो बड़े सीनियर मंत्री जो थे इस मीटिंग में, सुरेश खन्ना जैसे वहाँ पर थे, उनका ये कहना था कि एक तरह से कार्यकर्ताओं में ये बात पहुँचानी है कि हमने जो बाई इलेक्शन, जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ था वो आजमगढ़ और रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश यादव जीते थे चुनाव, लोकसभा चुनाव वो जीते थे, और रामपुर जहाँ से आजम खान जीते थे जो सपा का गढ़ था, उसको हमने ढहा दिया था बाई इलेक्शन में, वो सीट हमने जीत ली थी। तो इस बार ये जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, बस हमको पूरी ताकत उसमें लगानी है, ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुँचानी है। अब जो अलग अलग सीट पे गए, अलग अलग फीडबैक मिला, ज़्यादातर मंत्रियों ने यही कहा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसकी बड़ी वजह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरह का उसने नैरेटिव फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, या जैसे जातीय समीकरण का ध्यान रखा, या कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, टिकट देने में गड़बड़ी हुई थी। तो अगर ये सब चीज़ें उपचुनाव में ठीक की जाएंगी तो पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। तो बिल्कुल, अब ये बिल्कुल जिन चीजों का लोकसभा में नुकसान हुआ है, ऐसे में नहीं चाहते हैं कि इन 10 सीटों में भी कुछ ऐसा ही दोहराया जाए, और यही वजह कि मंत्री बकायदा अपने अपने इलाके में गए, जैसा रुचि जी बता रही थी, और उसी फीडबैक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी पूरी जानकारी के लिए।